गाइस वेलकम बैक टू टेल फील्ड्स। और आज हम आए हैं जिम कॉर्बेट और हमारा जो स्टे है वो इस होटल में है, दी कोरैको। और काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है, काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी है और वीकेंड दिल्ली से वीकेंड गेटवे के लिए, दिल्ली या दिल्ली के आसपास से अगर आप आ रहे हो तो वीकेंड गेटवे के लिए बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। हमने यहाँ पे स्टे किया था। यहाँ पे खाना पीना भी बहुत अच्छा है और ये यहाँ से थोड़ा कच्चा रास्ता है थोड़ी दूर का, पर अंदर जो है वो पूरा नेचर से कनेक्शन है। तो अभी मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ। तो ये फ्रंट में है इसका रिसेप्शन एरिया और यहाँ पे है इसकी कार पार्किंग। तो अभी रिसेप्शन पे चलेंगे और मैं आपको दिखाता हूँ चैन पे क्या क्या चीज़ें हैं। ये हमारा रिजॉर्ट और यहाँ से एक एंट्री है। ये पूरी बिल्डिंग है और आगे में भी एक पूरी बिल्डिंग है। और जो सामने है वो कॉटेजेस हैं और जो लेफ्ट में आप देख रहे हो ये नॉर्मल रूम्स हैं, सुइट टाइप है, काफ़ी बड़े बड़े हैं। और ये यहाँ का गार्डन एरिया जो मैंने आपको दिखाया ही था। और अभी मैं आपको चल के ऊपर का भी दिखाता हूँ कैसे रूम्स हैं। तो ये एंट्री है यहाँ से भी, ऊपर चलते हैं देखते हैं रूम कैसे हैं। ये है यहाँ पे सब एनिमल्स की फ़ोटो। तो वहाँ से भी एक आने का रास्ता है और अभी हम नीचे से आए हैं, इस साइड भी रास्ता है और काफ़ी सारे रूम्स हैं यहाँ पे। और ये है यहाँ का रूम, थोड़ा मैसी सा हो रहा है। और ये है यहाँ का बालकनी, तो काफ़ी अच्छा रूम है यहाँ का जैसे मैंने आपको दिखाया। यहाँ लगेज रख सकते हो। तो इस साइड में है यहाँ का स्विमिंग पूल है, स्पा एंड जिम है, गेमिंग जोन है जहाँ पे टीटी है और बैडमिंटन भी है यहाँ पे। तो अभी हम चलते हैं पूल साइड। और यहाँ जो ये बिल्डिंग्स आप देख रहे हो ये हैं यहाँ की कॉटेजेस और ये भी काफ़ी है, ये थोड़े से एक्सपेंसिव है नॉर्मल रूम से। तो मैं आपको अभी लेके चलता हूँ पूल की तरफ और वहाँ पे देखता हूँ कौन कौन सी एक्टिविटीज़ है। सबसे बड़ी बात ये होती है ये है स्वान गार्डन। और ये देखो रात को अब थोड़ा अंधेरा हो गया है, अभी 6 बज रहे हैं और यहाँ की जो पूल टाइमिंग है वो है 7 बजे तक, क्योंकि यहाँ सनसेट के बाद अंधेरा हो जाता है तो पूल ऑपरेशनल नहीं होता है। पर ये रिजॉर्ट बहुत ही सुंदर प्रॉपर्टी है यहाँ की। अरे ये तो कुछ फ्रूट टाइप्स लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है मौसमी जैसे, लेकिन पता नहीं कौन सा है। कितने बड़े बड़े मौसमी तो नहीं होंगे पर ये कुछ है, तो इसको हम चोरी करेंगे बाद में। ये भी है, पाइन ट्री है यहाँ पे। और यहाँ पे आप शाम को आके यहाँ बैठ सकते हो। What a view, man.
यहाँ बैठ जाओ, चाय वाय पी सकते हो। और अब चलते हैं पूल की तरफ। तो पूल यहाँ का मैंने चला रखा है, यहाँ का ये है पूल का व्यू। पूल हम सुबह हो आए थे तो अब हम नहीं जाएंगे पूल, और ये इसके ऊपर चलते हैं। यहाँ पे किड्स पूल है, मैं आपको दिखाता हूँ। दिस इज किड्स पूल। और यहाँ अंदर की तरफ है टीटी टेबल, यहाँ पर से जिमनेशियम लिखा हुआ है। तो एक्टिविटीज यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लगी हुई है, कैरम भी है, चेस है, एंड टीटी खेल सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पीछे की तरफ में दिख रहा है बैडमिंटन कोर्ट और बास्केटबॉल भी है। तो अब हम चलते हैं वापस, लेकिन अब हम चलेंगे यहाँ से। तो इन्होंने ये झूले यहाँ पे हर जगह लगाए हुए हैं, और यहाँ पे अभी भी कॉटेजेस हैं, और ये यहाँ का वाटरफॉल है जो अभी ऑपरेशनल नहीं है। यहाँ पे बैठ के ना, यहाँ पे बैठ सकते हो आप, ये जो सिटिंग एरिया दिया हुआ है, और यहाँ पे वाटरफॉल देख सकते हो, गेम वेम खेल सकते हो। अभी तो बंद कर रखा है इन्होंने, क्योंकि अभी ये कुछ कॉटेजेस खाली हैं। और इसके पीछे जो एरिया है ना, वो मैं अभी आपको ऊपर से दिखाता हूँ, वो पूरी ग्रीनरी है। जैसे अंदर इन्होंने इतना ग्रीनरी कर रखा है, वहाँ पे भी यहाँ से अगर आपको थोड़ा बहुत दिख रहा होगा तो ये है पूरी ग्रीनरी है वहाँ पे, और बिल्कुल अनटच्ड नेचर है वो। तो ये जो रिजॉर्ट है ना, ये जंगल के पूरे बीचों बीच में है, और इसके आगे पीछे जो है ना, पूरा पूरा नेचुरल है। तो ये यहाँ का ट्री हाउस है ना, ये ट्री हाउस ही है। देखो इन्होंने वाटरफॉल चला, यार ये तो कल तो नहीं चल रहा था, ये इन्होंने आज चलाया है। पर मैंने तो नहीं देखा इनका वाटरफॉल का चलते हुए, पर तो बहुत सुंदर लग रहा है। नहीं कल हम गए थे स्विमिंग करने, आज हाँ आज थोड़े ज़्यादा लोग हैं तो आज इन्होंने चला रखा है, कल ये बंद था। तो अभी यहाँ देखते हैं चल के, यार ये तो काफ़ी सुंदर लग रहा है। आओ यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं कैसा है। ये देखो पे कुछ किड्स के स्विंग्स हैं यहाँ पे, और हमारा जो रूम है वहाँ पे है। ये सब कॉटेजेस थे और ये नॉर्मल रूम्स हैं यहाँ पे, कॉटेजेस थोड़े से बड़े हैं, रूम्स भी बड़े हैं वैसे तो, पर ठीक है उनके प्राइसेस थोड़े ज़्यादा हैं कॉटेजेस के। और ये है आज यहाँ का माहौल, और यहाँ पे होने वाली है डीजे पार्टी रात को। अभी है हाई टी, तो करने वाले हैं हम थोड़ी मस्ती। अब मैं आपको अपने फ्रेंड से मिलाता हूँ, ये रही मेरी फ्रेंड कीवी। कीवी हाय करो, हाय हेलो बोल दो, चलो डांस करके दिखा दो क्या करना है बेटा। झूले में सारे जोन हैं यहाँ पे, और ये कॉर्बिट लैंडस्केप जोन, नीला जोन सबसे पास है इस रिजॉर्ट से। और बाकी यहाँ पे ये डाइनिंग एरिया है यहाँ का, अभी कोई नहीं आया यहाँ पे, सब खाली पड़ा है। काफी बड़ी प्रॉपर्टी है, और आज का दिन हमारा होता है यहाँ पे ख़त्म। अब मिलूँगा आपको अपनी अगली ब्लॉग में।
ऐसे ही आप प्यार बनाए रखिएगा, कमेंट करिएगा, लाइक करो वीडियो को और शेयर करना फ्रेंड्स के साथ। अगर आपको यहाँ पे आना है, मैं ऐसी वॉक टूर्स आपके लिए लाता रहूँगा जहाँ भी जाऊँगा और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगा आपसे, जिससे आप ज़्यादा फन कर पाएँ और आपको सही इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। जो मुझे बेस्ट लगता है वो आपके लिए मैं लाता रहूँगा, जिससे आप अपनी फैमिली के साथ और इन्जॉय कर पाएँ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, हैव अ ग्रेट डे। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस।